हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम करता हूँ आप लोगों का फ्री फायर की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ काफ़ी ढेर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि दोस्तों यार यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हमारे दिवाली पास इवेंट के बारे में। काफ़ी ढेर सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि क्या इस बार दिवाली पास इवेंट आएगा, एंड अगर आएगा तो उसके अंदर से हम लोग को कौन कौन से आइटम्स रहेंगे जो कि यार मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता होगा हमारा OV42 अपडेट आने वाला है, जिसका दोस्तों एडवांस सर्वर हमारे गेम के अंदर आ चुका है। तो एडवांस सर्वर के अंदर से काफ़ी ढेर सारी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई हुई हैं इसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों यार आज की वीडियो के अंदर मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिए। तो चलिए यार दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हाल ही फिलहाल में हमारे गेम के अंदर एक बिल्कुल ही नया इवेंट आया हुआ है जिसका नेम है फार्मर मार्केट इवेंट। दोस्तों इस इवेंट के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ चलिए इसके बारे में भी बताता हूँ। तो दोस्तों ये वाला इवेंट जो है आप लोगों देखा हमारा फार्मर से रिलेटेड जो कि यार हमारे इंडिया से रिलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है जहाँ पर खेती को या फिर किसानी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये वाला जो इवेंट आया हुआ है इससे एक थोड़ा सा रिलेट करता है हमारे इंडियन कल्चर को, एंड इससे ये यहाँ पर न्यू निकल के आ रही कि भैया हमारा जो गरेना है वो फ्री फायर इंडिया को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। एंड जैसे कि मैंने दोस्तों बता रखा है नवंबर मंथ के अंदर हमारा फ्री फायर इंडिया आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों OV42 अपडेट के बाद काफ़ी ढेर सारे चेंजेस आए तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेस हमारे वुकोंग कैरेक्टर का है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक देखा होगा वुकोंग कैरेक्टर की जो स्किल रहती है जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो वो घास वाला जो हमारा एक रहता है वो ऐसा बन जाता है, लेकिन दोस्तों अब एक आप लोगों को आइस कलर का देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आप लोग को अच्छे से इसको समझाता हूँ कि भैया ये वर्क कैसे करेगा। जैसे कि दोस्तों यार आप लोग नॉर्मली वुकोंग कैरेक्टर को अभी तक यूज करते थे तो वो जो हमारा घास वाला लुक रहता था उसमें कन्वर्ट हो जाता था जैसे ही आप लोग उसको स्किल को एक्टिवेट करते थे, लेकिन दोस्तों इस वाले अपडेट के बाद जब हमारा ये आइस वाला स्किल का कलर आ जाएगा या फिर जैसे लुक चेंजिंग इमोट हमारा रहता है सेम वही तरीके से आप लोग समझ सकते हो स्किल चेंजिंग इमोट इसको बोल सकते हैं, तो वही चीज़ ये रहने वाला है। आप लोग अब घास की झाड़ी नहीं बनोगे भैया, यहाँ पर हमारा जो बर्फ़ का गोला रहता है या बर्फ़ वाला वुकोंग जो रहता है वैसा कुछ लुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो प्रेजेंट टाइम में। तो इसमें कोई खास चेंज मुझे नहीं देखने को मिला, बस खाली यही है कि इसका जो लुक है कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, बाकी के दोस्तों इसके स्किल वगैरह जो थे वो पहले जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग को इसको निकालना होगा तो मेरे ख्याल से गरेना फ्री फायर इसको काफ़ी ढेर सारे डायमंड देकर तभी देने वाला है, क्योंकि दोस्तों यार ये ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को टोकन टावर या टोकन व्हील वाले इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा, एंड मेरे ख्याल से यार इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डायमंड खर्च करना कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। बाकी के दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आता तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक बिल्कुल ही नया और करेक्टर का लुक चेंजिंग इमोट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने होमर करेक्टर देखा होगा तो होमर करेक्टर का जो स्किल चेंजिंग इमोट है वो यहाँ पर आप लोग इसके पीछे देख सकते हो, वो कुछ इस टाइप से देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। तो दो हमारे कैरेक्टर हैं जिनके स्किल चेंजिंग इमोट आने वाले हैं, सबसे पहला हमारा वुकोंग कैरेक्टर रहने वाला है, एंड दूसरा जो सेकंड नंबर पे है वो हमारा होमर कैरेक्टर रहने वाला है जो कि यार दौड़ता है तो उसका जो इफेक्ट रहता है या फिर इमोट रहता है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसी के अंदर यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, एंड ये दोनों अपडेट आप लोगों को आने वाले इस OV42 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों यार हमारे नवंबर मंथ के अंदर आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हमारे इस OV42 अपडेट के बाद काफ़ी ढेर सारे और बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो चलिए उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से वो चेंजेस रहने वाले। तो दोस्तों हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं उनके ऊपर रिवर्क किया गया है। सबसे पहले सोनिया कैरेक्टर की अभी तक स्किल थी कि आप लोग इसकी जब स्किल को एक्टिवेट करते थे तो ये आप लोग के सामने एक शील्ड आता था जिसकी HP जो रहती थी 150 रहती थी, लेकिन इसको माइनस करके 100 यहाँ पर कर दिया जाएगा इस बार जो हमारा OV42 का अपडेट आएगा देन उसके बाद, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर चेंज नहीं किया गया है, बस खाली इसकी जो HP की शील्ड थी मतलब शील्ड की जो HP थी उसको थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दिया गया है। बाकी के दोस्तों ओरियन कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसको जब आप लोग यूज करते थे तो जो हमारा एनिमी रहता था सामने उसकी यहाँ पर 15 HP ये माइनस करता था, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद ये उसकी सिर्फ और सिर्फ 10 HP माइनस करने वाला है। बाकी का दोस्तों इसकी टाइम वगैरह कूल डाउन की जो पहले थी वो वैसे ही रहने वाली, सिर्फ ये यहाँ पर डैमेज को है जो है कम कर देगा, 15 HP की जगह अब ये 10 HP ही सिर्फ कम करने वाला है। तो इसके अंदर भी कोई खास चेंज नहीं किया गया है, उल्टी इसकी एबिलिटी को घटा दी गई, ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा दिमित्री कैरेक्टर आ चुका है, तो दिमित्री कैरेक्टर के कूल डाउन के अंदर यहाँ पर काम किया गया है। इसने यहाँ पर किया क्या है कि भैया पहले हमारा जो दिमित्री कैरेक्टर था वो 60 सेकंड में कूल डाउन हो जाता था, लेकिन दोस्तों अब ये 90 सेकंड में रहने वाला है, मतलब ज़्यादा टाइम आप लोगों को वेट करना पड़ेगा देन उसके बाद आप लोग इसकी स्किल को यूज कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा जो CS रैंक वगैरह पुश करते हैं उनके लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ पर हो चुका है। बाकी के दोस्तों A1-4 कैरेक्टर आप लोग देख ही सकते हो, A1-4 कैरेक्टर के भी टाइम के अंदर एंड डैमेज वगैरह के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। साफ साफ इसका जो टाइम था पहले 75 सेकंड था, अब पहले 50
सेकंड था 75 सेकंड कर दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा चेंज किया गया है हमारे A124 कैरेक्टर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी ढेर सारे कैरेक्टर के अंदर चेंज किया गया है, जैसे कि दोस्तों हमारा हुमर कैरेक्टर है। हुमर कैरेक्टर क्या रहता था कि भैया पहले 4 मीटर के रेंज में डैमेज देता था, लेकिन दोस्तों अब ये 3 मीटर की रेंज में डैमेज देगा, जिससे यार इसकी जो रेंज वगैरह है मतलब थोड़ी कम की गई है। टाइम एंड कूल डाउन टाइम वगैरह एंड जो हमारा डैमेज का था वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है। बस इसका जो रेंज है उसके अंदर काफ़ी ढेर सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो चुके दोस्तों हमारे कैरेक्टर रिवर के बारे में, जो कि दोस्तों आप लोगों को आने वाले इस OB42 अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी कैरेक्टर का रिवर का आप लोगों को समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले काफ़ी ढेर सारे नए चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आप लोग को एक बिल्कुल ही नया स्काई विंग देखने को मिलने वाला है इस OB42 अपडेट के बाद। इसके अलावा दोस्तों CS रैंक के रिवॉर्ड्स के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। इस बार एक आप लोगों को UMP की बिल्कुल ही नई स्किन देखने को मिलने वाली है एंड यहाँ पर नए पैरासूट वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। साथ दोस्तों एक बिल्कुल ही नया इमोट भी निकल के आया हुआ है, जिसका नेम नॉन वेज करके ऐसे कुछ भाई नेम है इसका, जो कि CS रैंक का रहने वाला है रिवॉर्ड। इसके अलावा दोस्तों फायर इफेक्ट के साथ एक स्काई विंग की स्किन भी निकल के आई हुई है, जो कि यार इस OB42 अपडेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी एंड स्किन आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वॉइस मैसेज भी देखने को मिलने वाले, काफ़ी ढेर सारे नए नए वॉइस मैसेज आने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों को लगभग 5 से 6 मैसेज यहाँ पर देखने को मिलने वाले। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, जो कि यार मेरे ख्याल से हर एक प्लेयर नोट करेगा, क्योंकि यार वॉइस मैसेज ऐसी चीज़ें रहती है जिसको यूज करके हम लोग को गेम के अंदर थोड़ा फन करने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं गरेना के, इस बार हमारे OB42 अपडेट के अंदर हमको लूटने वाले नए प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही आप लोगों ने सुना, फिर से लूटने वाली है गरेना। यहाँ पर दोस्तों एक बिल्कुल ही नया नियॉन क्रिमिनल हमारा आने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसका कुछ इस टाइप से लुक वगैरह रहने वाला है, हो सकता है दोस्तों इसका कलर वगैरह भी हम लोग को देखने को मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर न्यूज निकल के आ चुकी है कि आप लोग को बिल्कुल ही नया नियॉन क्रिमिनल देखने को मिलने वाला है इस OB42 अपडेट के अंदर, जिसका मतलब आप लोग समझ सकते हो इस बार फिर से गरेना फीफर आप लोग को चूतिया बनाने वाला है एंड आप लोग को फिर से लूटने वाला है। यहाँ दोस्तों मैं साफ साफ सीधे सीधे लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके पहले भी हमारा रेड क्रिमिनल का नियॉन आया हुआ था, देन उस बार भी हम लोग को काफ़ी ढेर सारा लूटा गया था, जिसके अंदर कोई खास चेंज नहीं था, बस थोड़ा सा चेंज वगैरह करके हम लोग को लूट लिया गया था। तो सेम वही चीज़ें इस बार भी होने वाली है। आप लोगों को पता होगा दिवाली इवेंट हमारा आने वाला है नवंबर मंथ के अंदर, एंड जब हमारा दिवाली इवेंट आता है तो कोई ना कोई क्रिमिनल बंडल हम लोग को रिटर्न बैक देखने को मिलता है। तो इस बार भी हमारा नियॉन क्रिमिनल आएगा, जो बिल्कुल नया वाला है, वो तो आएगा दिवाली इवेंट के दौरान ही, एंड उसी दौरान हमारे पुराने क्रिमिनल भी बंडल आएंगे एंड हम लोग को फिर से लूटे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नए इमोट्स वगैरह भी आप लोगों ने लास्ट में देखे होंगे, तो वो भी हम लोग को इसी बार दिवाली इवेंट के दौरान ही देखने को मिलने वाला है। बाकी के दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए लुक चेंजर इमोट के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ये कुछ इस टाइप का लुक चेंजर इमोट रहने वाला है, जो कि देखने में यार काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। मेरे को ये लुक चेंजर इमोट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना एंड अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपने दिवाली पास इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी ढेर सारे बंदे ऐसे थे जो कि यार पूछ रहे थे कि भैया दिवाली पास इवेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार भी आप लोगों को दिवाली इवेंट के दौरान दिवाली पास इवेंट देखने को मिलने वाला है एंड 12 नवंबर को हमारा दिवाली इवेंट का पीक डेट रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को दिवाली पास की डेट बताऊं तो भैया 9 नवंबर या फिर 10 नवंबर के आसपास आप लोगों को दिवाली पास इवेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यार पीक डेट से लगभग 2 या 3 दिन पहले हमारा दिवाली पास इवेंट आता है एंड इसका जो प्राइस रहता है वो रहता है 99 डायमंड एंड 99 डायमंड के अंदर आप लोगों को काफ़ी ढेर सारी चीज़ें, जैसे कि यार कटारा की स्किन, गुलवॉल की स्किन, गन स्किन एंड और भी रेयर आइटम दिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि भैया और जितने आइटम्स हैं वो लो या ना लो दिवाली इवेंट के, लेकिन दिवाली पास इवेंट आप लोग जरूर से लेना। बाकी की और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा आप लोग के लिए, लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना है, शेयर करना है वीडियो को एंड लाइक भी कर देना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।